हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो ज़्यादातर बैटरी की मदद से चलती हैं। यहाँ तक कि ये वीडियो आप किसी फ़ोन, लैपटॉप या पीसी में देख रहे होंगे, उसमें भी बैटरी की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाई जाती है। तो मान लीजिए कि आप किसी गहरी सोच में डूबे हो और आपको तुरंत ही याद आता है कि आपका एक शो आने वाला है टीवी पे, जिसकी आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो, और तुरंत ही आप अपने ड्राइंग रूम में जाते हो और अपने टीवी को ऑन करते हो। उसी समय आप जैसे ही रिमोट के बटन पर क्लिक करते हो, आप देखते हो कि हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है कि हो सकता है इस रिमोट की बैटरी डाउन हो गई होगी, और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो उस समय, और आपको लगता हो कि आखिर ये बैटरी अनलिमिटेड क्यों नहीं होती। तो बैटरी अनलिमिटेड क्यों नहीं होती और आखिर बैटरी वर्क कैसे करती है, तो सारी ये जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हमें बैटरी के मैकेनिज्म को जानने से पहले इसके इतिहास को जान लेना चाहिए। तो बैटरी का आविष्कार 1800 ईस्वी में की गई थी, जो कि इटली के महान साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा और जॉन स्ट्रिंग फेलो के द्वारा हुई थी। वही लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया गया था 1985 में अकीरा ओशिनो नाम के महान साइंटिस्ट के द्वारा। तो जान लेते हैं कि आखिर ये बैटरी वर्क कैसे करती है। बैटरी बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जिसके द्वारा ये पॉसिबल हो पाता है। दरअसल लिथियम में इलेक्ट्रॉन लूज की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए लिथियम सबसे ज़्यादा वोल्ट प्रोड्यूस कर पाता है। एक नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी 3.04 वोल्ट प्रोड्यूस कर पाता है, जो कि आम बैटरी के मुकाबले काफ़ी अधिक है। लिथियम के बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसे वो लगातार लूज करने का प्रयास करता है। इसी वजह से लिथियम को रिएक्टिव मेटल भी कहा जाता है। जब लिथियम को मेटल ऑक्साइड से जोड़ा जाता है तो लिथियम स्टेबल हो जाता है। बैटरी की बॉडी को काफ़ी सारे मेटल के लेयर से बनाया जाता है, जिसमें पहली परत आयरन की होती है, जो कि अंदर के केमिकल को एटमॉस्फेयर के एलिमेंट से सेपरेट रखता है। फर्स्ट लेयर के बाद इसमें एक एल्यूमिनियम का लेयर होता है, जिस पर मेटल ऑक्साइड की कोटिंग की होती है, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिसे सिंपली हम कैथोड भी बोलते हैं। इसके बाद सेल में इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक लिक्विड केमिकल होता है, उसकी लेयर होती है, जिससे सेपरेटर को कनेक्ट किया जाता है, और सेल के अंदर कॉपर का एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें ग्रेफाइट की कोटिंग की होती है, जिसे हम एनोड यानी निगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं, और इन सभी परतों को एक साथ जोड़कर एक बैटरी का निर्माण किया जाता है, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज आता है। बैटरी की वर्किंग को देखें तो इसके अंदर लिथियम प्रेजेंट होता है, जो कि मेटल ऑक्साइड से जुड़ा होता है। जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो लिथियम के इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण पॉजिटिव साइड के कॉपर प्लेट पर स्टिक हो जाते हैं, और वायर की हेल्प से फ्लो करके निगेटिव साइड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वहीं लिथियम के आयंस पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण निगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रोलाइट में से जाने लगते हैं। फिर लिथियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में सेपरेटली स्टोर हो जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स और लिथियम आयन जब नेगेटिव साइड पहुंच जाते हैं, तब जाके बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद बैटरी को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है, तो लिथियम को वापस से स्टेबल होने के लिए लिथियम के आयन फिर से इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है, और इलेक्ट्रॉन्स वायर के द्वारा कनेक्टेड डिवाइस से फ्लो होकर वापस से पुराने प्लेस पे लौट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को पास होने से रोकना, और सिर्फ बैटरी के आयंस को पास होने देना। मगर बैटरी के अधिक गर्म होने से इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि लिक्विड होता है, वो जल कर उड़ सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्सेंस में सारे एलिमेंट्स आपस में टकरा सकते हैं, और इसी कारण से बैटरी ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के बीच सेपरेटर का यूज़ किया जाता है, जो कि सिर्फ लिथियम के आयंस को पास होने देता है। तो लिथियम आयन और इलेक्ट्रॉन के पुराने प्लेस पे लौटने के प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में करते हैं। यानी अगर आसान भाषा में जाना जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जब बैटरी के अंदर फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में। उस साइड जाकर लिथियम वापस से स्टेबल हो जाता है। जब सारे लिथियम स्टेबल हो जाते हैं तो बैटरी काम करना बंद कर देती है, और इसे हम आसान भाषा में कहते हैं कि बैटरी ख़त्म हो गई है। इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इलेक्ट्रोलाइट्स कमज़ोर हो जाता है,
तो इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए लिथियम आयन बैटरी के फर्स्ट चार्ज पर जब लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तो लिथियम आयन ग्रेफाइट और इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके निगेटिव साइड में एक लेयर बना लेती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोलाइट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। इसी लेयर को SCI लेयर भी कहा जाता है। इस SCI लेयर के फॉर्मेशन में लगभग 5% लिथियम कंज्यूम हो जाता है और बाकी 95% लिथियम बैटरी के मेन वर्क में यूज आता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करते हुए बैटरी के मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।